वेलकम टू राजगीर। देख लीजिए ये रही क्लास भी। डर लग रहा है कि अंकल कैमरामैन जल्दी फोकस करो। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। राजगीर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ये मेरी सेकेंड डे है और आज का जो दिन है आपको टाइम दिखाते हैं। पहले टाइम कितना हो रहा है? ये हो रहा है 5:27 अभी। और इतना सवेरे से मेरा ब्लॉग स्टार्ट करने का कारण बस ये है कि आज हम जा रहे हैं ग्लास ब्रिज घूमने के लिए। ग्लास ब्रिज में टिकट का बहुत मारा मारी चलता रहता है, 1000 ही टिकट रहता है और टिकट लेने वाला बहुत ज़्यादा और आधा ऑनलाइन कर चुका रहता है एक दिन पहले। इसलिए आज सवेरे सुबह मेरा दोस्त बोला कि आज सवेरे सुबह चलना पड़ेगा, इसलिए 5 ही उठ के निकल चुके हैं घर से। और मुझे लग रहा है ऐसा कि हम लोग लेट कर चुके हैं क्या पता टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भी सस्पेंस ही है बहुत ज्यादा। बाकी राजगीर का व्यू दिखाते हैं, सवेरे सवेरे का व्यू कैसे देखने को मिल जाता है। सामने देखिए पेड़ जो लगा हुआ है कितना शानदार लगता है, दोनों साइड से ये जो नया नया पेड़ लगाया गया है खोप के जरिए वो बहुत कमाल का लगता है। सामने बड़ा सा देखिए आपको वहाँ पे पहाड़ देखने को मिल जाएगा। इस बार ना मैं तीसरी बार राजगीर में आ चुका हूँ लेकिन इससे पहले कभी मैंने ग्लास ब्रिज नहीं घूमा था। आज फाइनली ग्लास ब्रिज जरूर दिखाने का आपको मौका मिला है, हमें तो आपको जरूर दिखाएंगे। तो फाइनली चलते हैं और दिखाते हैं, बाकी आप भी यहाँ राजगीर का जो कल्चर है तो कल्चर देख लीजिए आप, कल्चर कैसे देखने को मिल जाता है। इधर ना देखिए अपना सबको धान का खेती है लेकिन इधर कोई खेती वगैरह नहीं आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि इधर पानी नहीं हो रहा है इसके कारण से। देखिए इधर भी ऐसे ही खाली खाली है। भाई साहब जान पहचान होने के यही तो फायदा है। देखो अभी सभी आदमी बाहर में है और फाइनली मैं आ गया है अंदर दोस्त के साथ। इनका जान पहचान यहाँ पे ना इसलिए जल्दी से हम सब अंदर आ गए। अब देखते हैं टिकट वगैरह मिलता है कि नहीं, क्योंकि लाइन लगी हुई बाहर का ना। मिल जाएगा बाहर का लाइन लगाया था ना, वही टिकट का ही ना, वहाँ नहीं टिकट अंदर कटता है। अच्छा तो वो लाइन किस चीज़ का था? टिकट का ही लाइन लगा था सवेरे सवेरे। आप भी समझिए टाइम कितना हो रहा है, आपको दिखाऊँ टाइम। देखिए 6:22 हो रहा है करीब टाइम और बाहर हाँ टिकट 8 कट रही है तो अभी से लाइन हाँ तभी तो 8 तक लगता है कितना लाइन हो जाएगा। इसलिए जब भी आप आइए तो सवेरे सवेरे आपको आइएगा या फिर ऑनलाइन टिकट कटा के ही आइएगा। तो फाइनली आपको दिखाते हैं कि यहाँ का कैसे लगता है दृश्य देखने में सिनेमैटिक में। हेलो एकदम मुफ्त का रोटी यहाँ पे खा रहा है, देखो एकदम चैन से। इतना लोग है फिर भी उसको थोड़ा भी डर नहीं हो रहा है। बाहर का तो लाइन ख़त्म हो गया है और अंदर में लाइन लग रही है। अभी टाइम 8 नहीं बजा है, अभी टाइम हो रही है करीब 7 हो रही है टाइम। और देखिए अभी से ही इतना ज़्यादा ना भीड़ हो गया है ना, बहुत तगड़ी भीड़। इसलिए तो कहते हैं क्योंकि आप जब भी आइए एक दिन पहले टिकट कटाइए, ऑनलाइन टिकट कटा लीजिए, फिर आपको सारा समस्या ही खत्म हो जाए। बाकी दिखाते इधर का जो क्या परिवेश है कुछ ऐसे नज़र आता है देखने में हमको। ये लुक 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 चेक करो पहले, क्या भयंकर बने ले है। देखो तो कितनी बड़ी परिवेश है यहाँ पे, मस्त गार्डन टाइप का बनाया गया है ऐसे बैठने के लिए। ये है लाइन लगने का जिसमें के अंदर टिकट कटता है। यहाँ से टिकट मिलने के बाद 5-7 शायद अंदर जाना होगा, बस से ले जाएगी अंदर, इसके बाद ही ग्लास ब्रिज पर हम चढ़ सकते हैं। तो देखिए अभी से क्राउड कितना हो रखा है। ये रही हमारी टिकट, देखिए नेचर सफारी का टिकट लिए हैं 150 का और एक लिए हैं जू सफारी का 150 का। और एक जो टिकट देख रहे हैं 100 का टिकट, ये एंट्री टिकट है, जो एंट्री करने का जो फी लगता है वो एंट्री टिकट है। बाकी अंदर का जो परिसर है कुछ ऐसे नज़र आता है देखने में। फाइनली दोस्तों अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर जो ग्लास ब्रिज है, ग्लास ब्रिज पर चढ़ने के लिए। देखा जो एंट्रेंस है कुछ ऐसे नजर आता है और काफ़ी सारे लोग आए हैं, इसलिए कहते हैं जब भी ग्लास ब्रिज घूमने आए राजगीर में कहीं किसी भी जगह आप घूमने आए तो आप सवेरे सवेरे आइएगा। सबसे बेस्ट है कि आप ऑनलाइन टिकट कटवाइएगा, ऑनलाइन टिकट में फ़ायदा ये है कि आपको 50 कम लगता है, इसलिए ऑनलाइन टिकट कटवा के आइएगा और इसका मज़ा लीजिए। क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन टिकट में आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 10-11 यह पूरा टिकट यहाँ पर फुल हो जाता है। बाकी दिखाते हैं इधर का एंट्रेंस कैसे देखने को मिल जाता है हमको, चेक करो। यहाँ पे हो गई हमारी टिकट चेकिंग, यहाँ पे जो एंट्री टिकट है उसका चेकिंग हो गई है। तो चलते हैं यहाँ से अंदर की तरफ, बाकी एंट्रेंस तो आपको दिखाते ही चलते हैं। कितना शानदार लगता है देखने में, और ग्लास ब्रिज भाई साहब अलग लेवल का मज़ा आएगा, क्योंकि राजगीर में सबसे ज़्यादा फेमस जो ना ग्लास ब्रिज ही है
बाकी इधर भी घूमने का जगह, लेकिन टाइम ही इतना कम है ना भाई, क्या घूमें। पहले जाते हैं ग्लास ब्रिज घूम के आते हैं, उसके बाद घूम लेंगे यहाँ पे जितने भी जगह है सारा का एक्सप्लोर कर लेंगे अच्छे से। तो चलते पहले ग्लास ब्रिज घूमने का जो मजा है क्या अलग ही लेवल का मजा है, इसलिए चलिए आपको भी घुमाते हैं ग्लास ब्रिज। हम फीकी फीकी जिंदगानी भर दे तू फागुन के रंग सारे रंग सारे। यहाँ पे सारे बस जो है इस साइड लगा हुआ है, चलिए आपको दिखाते हैं बस कहाँ लगी हुई है। कौन सा टिकट लीजिएगा इसका, ये टिकट ना आप अगर बोतल अंदर ले जाना चाहते हैं तो 50 का रिफंडेबल टिकट लगाना होगा। फैनी गुटखा बीड़ी सिगरेट है माचिस लाइटर है तो डाल दीजिए, नहीं तो पकड़े जाने पे फाइन मारा जाएगा 2000 कम से कम, ज़्यादा ज़्यादा 5000। लुक एट दिस गाइज, ये देखिए यहाँ पर 50 रुपये का टिकट लगता है। यदि आप पानी बोतल लेके जाते हैं अंदर तो आपको 50 का टिकट लगाना होगा, 50 का स्टिकर लगाना होगा, कहने का भाव है ये। और जब वापस आप आइएगा इधर से तो फिर आपको ये जो 50 रुपया है वो आपको रिटर्निंग मिल जाता है। तो बोतल जो कैरी करना चाहते हैं ले जाना चाहते हैं उसके लिए 50 का टिकट लगाना ज़रूरी है। तो चलिए अब यहाँ से हमारी लाइन शुरू हो जाती है, देखिए इधर की तरफ पूरा बस मिल जाता है जो आपको ग्लास ब्रिज तक जाके छोड़ देगी। यहाँ से 7 या 8 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। तो फाइनली बस में बैठ चुके हैं हम, सबसे पीछे वाला सीट लिए हैं और बस में पूरा बस जब भर जाएगी तब निकलेंगे। फाइनली गाइज हम उतर चुके हैं बस से और यहाँ का इंटरेस्ट कुछ ऐसे देखने को मिल जाता है हमको। देखिए यहाँ पे शायद फिर से हमको टिकट कटवानी पड़ेगी यहाँ, और इस टिकट के जरिए आप ग्लास ब्रिज घूम सकते हैं। ये रही हमारी टिकट, आप आगे चले गए थे ये इनको बारे में बताए थे। ये देखिए मुजफ्फरपुर से आए हुए अंकल जी सब, और कहाँ से आए, बाबा धाम होते हुए ना, बाबा धाम का तीर्थ भी किए हुए अभी, ये क्या कहते हैं ग्लास ब्रिज का और नेचर सफारी जू सफारी जो सभी होता उनका एंजॉयमेंट कर रहे हैं। यार बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है। यदि आप कोई भी सामान यहाँ पे रखते हैं तो इसका टोकन ले लीजिएगा, क्योंकि टोकन रहने पर भी आपको सामान मिलने वाला है, नहीं तो फिर सामान भी बुड़ जाएगा आपका। तो टोकन जरूर लीजिएगा आप जब भी आइए। तो फाइनली हम सब चल रहे हैं ग्लास ब्रिज पर, देख लीजिए सीढ़ी भी ग्लास की बनी हुई है यहाँ से, ग्लास ब्रिज ऊपर। गर्मी लग रहा है ना सीधा। फाइनली गाइज हम आ चुके हैं ग्लास ब्रिज पर, देख लीजिए ये रही ग्लास ब्रिज। डर लग रहा है क्या अंकल? लग तो रहा है ऐसे ही। देखिए कैसा लग रहा है यहाँ पे, अद्भुत देखने के, ग्लास ब्रिज से देखने का जो नजरिया होता है वो देखिए कैसे, चेक करो गाइज, लुक एट दिस यार नेचर, ये है बिहार राजगीर का नेचर, देखिए तो कितनी शानदार लगता है। इस पर ग्लास ब्रिज बना रहा था तो और मजा आता है, ये ऊंची वाली जो पहाड़ है इस पर तो और मजा आता है। लुक 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 क्या खतरनाक लगता है देखने में। चलिए खींचते रहिए, निकलते रहिए। पहले तो ये देते थे ना पहनने के लिए, मिलता था, हम देखे हुए हैं, बट अब अभी नहीं मिल रहा है। लुक गाइस, लुक एट दिस गाइस, देखिए तो यहाँ पे इतना शानदार, अच्छा लगता है, बढ़िया। इतना जल्दी जल्दी भगाइएगा कैसे काम चलेगा, क्या करें सब। एक वैसे वैसे टाइमिंग तो दिखाता रहता है 3 मिनट। चलिए गाइज यहाँ से निकलते हैं, 1 मिनट मुश्किल से टाइम मिल जाता है यहाँ पे। तो चलिए जितना दिखाने की कोशिश किए हैं बेस्ट। जितना फोटो ना खींचो उतना दिमाग का टॉर्चर। थोड़ा थोड़ा कंपन करता है ना वहाँ पे, हल्का हल्का कंपन करता है। तो गाइज अब चलते हैं सस्पेंशन ब्रिज घूमने के लिए। सस्पेंशन ब्रिज इससे पहले भी कई बार हम घूमे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे फ्री में भी देखने को मिलता है। तो चलिए, पहले क्या था सस्पेंशन ब्रिज के अलग से पैसा ले जाना पड़ता, लेकिन इतनी ना गालियाँ पड़ा, इतनी ना बात सुना ना, इसका फ्री कर दिया है। क्योंकि बस आपको 1 मिनट ग्लास ब्रिज पर रहने देता है, हमको लगता है जहाँ तक कि ग्लास ब्रिज पर जो आदमी एक बार आ जाए दोबारा आएगा नहीं। लेकिन आपको एक कुछ दिखाना चाहते हैं जो नेपाल में हम देखना चाहते हैं, सखुआ का पेड़। यहाँ पे देखिए सारे के सारे जितने भी पेड़ देख रहे हैं ना, सारे के सारे सखुआ का ही पेड़ देख रहे हैं सारा कुछ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि पेड़ सीधा नहीं है जैसे नेपाल में था, एकदम सीधा सीधा और बहुत ही विशाल पेड़ देखने को मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे एक भी ऐसा नहीं पेड़ जैसे, नहीं तो कितना टेढ़ा मेढ़ा सा पेड़ सब देखने को मिल जाता है। बाकी इस रोड के जरिए हम जा सकते हैं सस्पेंशन ब्रिज, ये स्टैचू
हैंडशेक करने के लिए। कहाँ से आए भैया? पटना से आए हैं। तो फाइनली अपने बिहार से ही हैं, हम भी हैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। तो कैसा लगा, रिव्यू दीजिएगा। बहुत अच्छा लगा, लेकिन बस वही है कि थोड़ा ग्लास बीच में टाइमिंग कम दे रहा है। हाँ, थोड़ा एक मिनट दो मिनट भी टाइम रहता है, जैसे गूगल पे दिखाता है कि 3 मिनट से टाइमिंग रहता है, लेकिन 3 मिनट रहता तो फिर मस्ती आता, वही टाइमिंग कम है। बाकी चलते हैं अभी दिखाने के लिए सस्पेंशन ब्रिज। यहाँ पे दो स्टैचू आपको देखने को मिल जाएगा, इधर भी आंटी अंकल सब है। तो चलते हैं यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज चलिए, इससे पहले भी कई बार हम घूमे हुए, तो देखते हैं कैसा लगता है देखने में। जितना टुकड़ा फाड़िएगा हो भगवान, जितना बार एंट्री कीजिए उतना टुकड़ा ये फाड़ता है। होते होते इतना टुकड़ा हो गया अभी ये टिकट का। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं सस्पेंशन ब्रिज पे। डर लग रहा है भैया क्या? मजा आ रहा है। वेलकम टू राजगीर। मस्ती आ रहा है भैया? बहुत मस्ती मस्त है। कहाँ से आए? मधुबनी जिला से। तेरी मधुबनी से। देखिए भाई साहब अपना अपना क्या कहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल गए हैं सबका सब, एकदम फुल मस्ती। इनको लग रहा है कि अपना सबका वो होता है, डर लग रहा होगा सस्पेंशन ब्रिज। अरे नेपाल तो इससे भयंकर है ना, अच्छा लग रहा है। हाँ, इससे ज्यादा मस्ती है, क्योंकि अपना इसमें टाइम लिमिट नहीं है, तो सबसे ज्यादा मस्ती यहाँ पे मिल जाएगा ग्लास ब्रिज से ज्यादा। क्योंकि ग्लास ब्रिज में भाई टॉर्चर होता है एक तरह से, भाई जल्दी निकल। ये क्या कर रहा है यार, पैसा दिए वैसे थोड़ी ना जाएंगे। देखियो लेकिन कैसा लग रहा है, खतरनाक लेवल का देखने को मिल जाता है। ये आपको पहाड़ यहाँ से भी ऊंची ऊंची पहाड़ आपको देखने को मिल जाएगा। ग्लास ब्रिज ये सामने में आपको दिख जाएगा। वन सेकेंड गाइज, वो छोटा सा जो दिख रहा है आपको ग्लास ब्रिज, वहाँ देख लीजिए। तो गाइज यहाँ पे काफ़ी सारे स्टैचू आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टैचू पर सभी आदमी अपना अपना फोटो खिंचवा रहे हैं, कितने लोग आए हैं। मस्ती आ रहा है भैया? जय भोलेनाथ। तो फाइनली भैया जी हम सब जा रहे हैं अब सस्पेंशन ब्रिज से बाहर। यहाँ पर तो काफ़ी टाइम बिता लिए, बहुत सारे मस्ती किए, बहुत सारे भाई लोग से भी मिले हैं। तो अभी ब्लॉग को ख़त्म करेंगे, क्योंकि एक नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा जिसमें आपको क्या कहते हैं जू सफारी का भी दिखाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक लिए टाटा बाय बाय।